हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सॉल्वर का, सो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका सिलेबस में है वो है मल्टीपल वर्कबुक या मल्टीपल वर्कशीट्स में हम कैसे सेल्स को लिंक कर सकते हैं, कैसे एक सेल का डेटा दूसरी वर्कशीट में यूज कर सकते हैं, या किसी भी वर्कशीट का डेटा किसी दूसरी आपकी पहले से एग्जिस्टिंग जो वर्कबुक है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो एक सीट का डेटा दूसरी सीट में रिक्वायर्ड होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप नई वर्कशीट के अंदर पुरानी जो आपके पास अवेलेबल सीट है उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डमी डेटा यहाँ पर मैंने नोट किया है, ये कुछ जनवरी का डेटा है, उसके बाद ये कुछ आपका फरवरी का डेटा है, और मैं चाहता हूँ कि जो आपका टोटल डेटा है यानी कि सीट वन और सीट टू का डेटा है उसका सम मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं लिंकिंग करूँगा, सेल का रेफरेंस का यूज करूँगा, और कैसे हम करेंगे इसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, जैसे बात हो रही है सीट वन सीट टू या सीट थ्री की, तो ये आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, नई सीट आपको अगर रिक्वायर्ड होती है, जो ये कंप्लीट एक वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वर्कबुक अनटाइटल्ड वन से सेव है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ तो ये आपका नाम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव। ठीक है, लिंकिंग डेटा नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको। ओके, अब ये फाइल सेव हो गई है, फाइन। नाउ अगर किसी दूसरी सीट का डेटा मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो मैं क्या करूँगा, वो आपके पास एक अलग वर्कबुक होगी, ये करंट आपकी वर्कबुक डिफरेंट है, तो आप वर्कबुक डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी पहले हम सीखेंगे कि सीट के डेटा को दूसरी सीट में कैसे यूज करते हैं। नाउ अगर आपको नई वर्कशीट, ये वर्कशीट थ्री है, फोर्थ वर्कशीट ऐड करनी है, तो यहाँ प्लस का साइन होता है, नीचे आप देखेंगे प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो नई सीट आपकी इंसर्ट हो जाती है। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स खुद से इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इंसर्ट करना चाहते हैं, एक एक करके नहीं करना चाहते प्लस साइन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे सीट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास इंसर्ट सीट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट कितनी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह देंगे फॉर एग्जाम्पल आपको तीन और वर्कशीट चाहिए, और आफ्टर करंट वर्कशीट चाहिए, करंट सीट जो है इसकी, तो ओके कर देंगे। तो ये देखिए 5, 6, 7 ऐड हो गई सीट फोर के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेटा लिंकिंग, कैसे हम सीट के डेटा को दूसरी सीट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे सीट को रीनेम करना है तो बहुत आसान तरीका है, जैसे सीट वन है तो सीट वन को अगर आपको अपने अकॉर्डिंग नाम देना है तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये रीनेम बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आप इसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ जैन, ओके कर देंगे। दूसरी जो सीट है इसको मैं डबल क्लिक करके नाम दे देता हूँ फैब, यहाँ पे फैब हो गया, ओके कर देंगे। और तीसरी को मैं कह देता हूँ टोटल, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जैन और फैब का डेटा है और यहाँ पे मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, तो आप अपनी सीट को रीनेम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ बात करते हैं रेफरेंस की। अगर बात करता हूँ मैं कि डेटा को लिंक कैसे करते हैं, एक सीट के डेटा को दूसरी सीट में कैसे यूज करते हैं, इक्वल्स टू सम फॉर्मूला हम लगाएंगे, सम के बाद में आप सम स्मॉल या कैप्स में लिख लें उससे फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्ट यूज करना होता तो मुझे पता है, मैं पहले भी सीख चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाए हैं डायरेक्ट सम वगैरह फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पुराना डेटा जो हमारे पास सीट वन और सीट टू में है वो मुझे रिक्वायर्ड है। तो जनवरी में जाएंगे और इनकम पे क्लिक करेंगे, प्लस आपका जो है फरवरी में जाएंगे और इनकम पे क्लिक करेंगे, तो ये जनवरी की इनकम होगी ईस्ट की और ये फरवरी की होगी डेटा ईस्ट की, ये डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, टोटल सीट पे आ जाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का सम होके आ गया है। ठीक है, सीट का नाम डॉट आप क्या यूज कर सकते हैं, उस सेल का एड्रेस, यहाँ पे जो सेल का एड्रेस है वो B4 है, इसलिए ये D4 आपका यूज हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे भी सेल का एड्रेस B4 है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेम चीज़ अगर आपको ड्रैग करनी है आप ड्रैग कर लीजिए, बाकी डेटा भी आपका आ गया है, अलग सीट्स जो हैं आपकी उनका डेटा भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप इसी तरीके से एक्सपेंस भी कर सकते हैं, कैलकुलेट इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जैन में जाएंगे एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, प्लस फैब में जाएंगे एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, ये एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। शीट का नाम डॉट सेल का एड्रेस, इसी तरीके से अगर सारा चाहिए आपको तो इस तरीके से आप टोटल प्रॉफिट अगर आपको करना है तो वो तो आपका सिंपल है, क्या करना होगा एक्सपेंस जो इनकम आपकी है और जो एक्सपेंस है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, एंटर कर देंगे, ये ओवरऑल प्रॉफिट आ गया दोनों मंथ का, जनवरी और फरवरी का। नाउ जो ये प्रॉफिट है, आप बात जो सीखने वाली है, सेल को यूज करने के लिए हमें सीट का नाम डॉट सेल एड्रेस लिखना होता है। अगर वो डायरेक्ट अगर सेम सीट में होता तो हम डायरेक्ट सेल रेफरेंस के लिए सिर्फ सेल का एड्रेस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ मुझे सेल का सीट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो डेटा है वो मेरा सेम सेल में है, ठीक है, सेम सीट के अंदर है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं B4 माइनस C4। बट यहाँ पे जो डेटा जो है मैंने जनवरी और फरवरी सीट से लिया है, इसलिए जैन B4 डॉट B4 प्लस फैब डॉट B4। नाउ समटाइम फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, सीट 4 के अंदर 65 लिखा है, 650 लिखा है, ठीक है, एंड सीट 5 के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस सेल का 650 जो सेल है उसका कुछ उसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप इक्वल्स टू लिखेंगे, सीट 4 पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सीट 5 पे आएंगे एंड प्लस अगर आपको करना है फॉर एग्जांपल प्लस 100 कर देते हैं, तो देखिए 650 प्लस 100 750, यानी कि आप डायरेक्टली उस सीट का नाम डॉट सेल का एड्रेस करके आप उसको यूज कर सकते हैं। यही काम अगर मैं एक्सेल में करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिफर मिलेगा इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेटा है आपका 65 600 और आप जो है नई सीट के अंदर गए और यहाँ आप उस सेल को यूज करना चाहते हैं, इक्वल्स टू सीट 1 में आए, इस पर क्लिक किया और सीट 2 के अंदर आए, प्लस इसमें कर दिया हमने 100 और एंटर किया, यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस गलत हो गया, ये वाला सेल का एड्रेस है, इक्वल्स टू यहाँ पे हम लेंगे सीट 1 का 600 वाला डेटा, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 700 हो जाएगा, ठीक है। याद ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, सीट का नाम डॉट एक्सक्लेमेटरी साइन सेल का एड्रेस। यहाँ पे जो है लिबर ऑफिस कैल्क में जो है आप जो यूज करते हैं वो क्या है, सेल का नाम, सेल जो सेल है उसका नाम डॉट C4, ओके, वहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करें, यहाँ पे डॉट सिंबल यूज करते हैं, और अगर आप इस पे डॉलर भी यूज करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, जैसे अगर आप डॉलर साइन यूज करते हैं तो भी आपका वो काम करेगा, डॉलर, तब भी वो आपका सेम रिजल्ट देगा, ठीक है।
अगर आप इस पे डॉलर साइन यूज करते हैं, डॉलर सीट का नाम, डॉट सेल का एड्रेस, ये आपको ध्यान रखना है जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉलर सेल का एड्रेस डॉट सीट का नाम डॉट सेल का एड्रेस। बट यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर सीट का नाम लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं और सेल का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक सीट के डेटा को दूसरे सीट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी बात हमारी कि सेल का एड्रेस अगर हमें यूज करना है, दूसरी सेल के अंदर काम में लेना है। इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई वर्कबुक का डेटा अगर हमें यूज करना है, किसी दूसरी एग्जिस्टिंग वर्कबुक का, पहले से कोई वर्कबुक आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वर्कशीट हमारे पास होगी, ये देखिए यहाँ पे एक वर्कशीट है पहले से जो बनी हुई है, इनका कोई डेटा मैं यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई सब टोटल की वर्कशीट है, ठीक है। नाउ मैं इस सम को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, देखिए ये मेरी सीट है, पहले से बनी हुई सीट है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सम हो जाए इक्वल्स टू सम, अब की बार मैं वर्कशीट का डेटा नहीं ले रहा, मुझे दूसरी सीट के अंदर जाना है, दूसरी वर्कबुक के अंदर जाना है और इस सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जिस सेल का डेटा मुझे चाहिए। वापस आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस सेल का पूरा पाथ आ जाता है कि ये सेल कहाँ पे है, सी यूजर्स डेस्कटॉप पे रखी है, सेशन 2021-21 और ये फाइल का नाम है सब टोटल 10th.ods, फिर सीट का नाम सीट 1 और उसकी सेल का एड्रेस C13, ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे, फॉर एग्जांपल 50,000 प्लस कर देते हैं, 40 कुछ था वो, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 50,404, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी दूसरी वर्कबुक का डेटा अगर हमें एक वर्कबुक में चाहिए तो हम उसका भी सम कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि अगर आपके पास कोई अवेलेबल डेटा है, किसी सीट के अंदर डेटा है, उस सीट के डेटा को हम दूसरे सीट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग का। ओके, रिलेटिव रेफरेंसिंग में हमने ऑलरेडी ये चीज़ें सीखी थी, बट वो विद इन अ सीट था, एक सीट के अंदर हम सब काम कर रहे थे, तो एक ही सीट के अंदर करते हैं तो हमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है, हम डायरेक्ट सेल एड्रेस यूज करते हैं। बट अगर बात आती है सीट की तो पहले सीट का नाम आता है, डॉट सेल का एड्रेस आता है, या फिर डॉलर साइन भी आप यूज कर सकते हो। वहीं एक्सेल में थोड़ा सा डिफर ये होता है फॉर्मूला में कि वहाँ आप सीट के नाम के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं, डॉट यूज नहीं करते, ठीक है। ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है जब आप एक्सेल पे काम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।